टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड के 40 में से 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। चार ग्रुप से दो दो टॉप टीमों को सुपर 8 में जाना जरूरी है, लेकिन अभी तक किसी भी टीम ने अगले राउंड में अपनी जगह नहीं बनाई है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पिछले टी20 वर्ल्ड कप को दो फाइनलिस्ट टीम इंग्लैंड और पाकिस्तान के लिए यह बहुत चुनौतीपूर्ण रह सकता है। पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स अपनी हरकत और उल्टी सीधी बात से चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी कोई विवादित बयान देता है तो कभी उल्टी सीधी हरकतें करता है। फिलहाल अकमल ने सिख धर्म का मजाक उड़ाते हुए ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिनको देख भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह पूरी तरह भड़क चुके हैं। कमल के इस विवादित और गंदे बयान पर हरभजन सिंह ने उसकी पूरी तरह क्लास लगा दी है। दरअसल कमल ने लाइव टीवी पर बैठकर अर्शदीप और सिख धर्म के बारे में मैं ऐसी बात कही है जिसे लिखना द खबरदार न्यूज के लिए मुमकिन नहीं है। परीक्षा तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने भोपाल के अपने 10 छात्रों की उत्कृष्ट उपलब्धि की घोषणा की, जो प्रतिष्ठित जेईई एडवांस्ड 2024 परीक्षा में शीर्ष स्कोरर बने। बता दें कि भोपाल से आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के 10 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड 2024 में शीर्ष रैंक हासिल की। धार में पाइप फैक्ट्री में मंगलवार 11 जनवरी को भीषण आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पॉपुलर क्राइम ड्रामा सीरीज मिर्जापुर के तीसरे सीजन की उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काफी टाइम से पहली बुझा रहे और फैंस का एक्साइटमेंट टेबल बढ़ाते जा रहे हैं। मिर्जापुर के तीसरे सीजन की रिलीज डेट घोषित कर दी है। बता दें कि मिर्जापुर सीजन 3 5 जुलाई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। पाकिस्तान टीम का अभी टी20 वर्ल्ड कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान के लोगों के साथ खिलाड़ी भी कप्तान बाबर आजम को खरी खोटी सुना रहे। बता दें कि पाकिस्तान टीम से बाहर हुए अहमद शहजाद ने एक टीवी शो पर बाबर आजम को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मैं इस किंग का क्या करूं जो मैच ही नहीं जितवा सकता। लोकसभा चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर YSRCP और TDP के कार्यकर्ता भिड़ गए। वहीं TDP ने आरोप लगाया है कि YSRP मौत पर भी राजनीति कर रही है। बता दें कि रविवार को कर्नूल में एक DDP समर्थक की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट आज नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि नोट परीक्षा 5 मई को हुई थी और 4 जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई। रियासी में रविवार को श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकवादी हमले और हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान एक यात्री ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि बस खाई में गिर गई, नहीं तो हमलावर सभी को मार देते। मध्य प्रदेश के कई शहरों में लोगों को जल्द ही इस भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग की ओर से मौसम पर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात माने तो अगले कुछ दिनों के अंदर लोगों को तपती गर्मी से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय की नवीन बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हालत में हो जाने पर छात्रों ने किया हंगामा, कहा कि अतिक्रमण भी हटाया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योजनाओं को लेकर किया बड़ा बयान जारी। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना सुचारू रूप से चालू रहेगी। सरकार के 4 सबसे ताकतवर मंत्रालय बीजेपी के पास ही है, जिसमें गृह मंत्रालय अमित शाह के पास रहेगा। वहीं राजनाथ सिंह को एक बार फिर रक्षा मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर को ही सौंपी गई। वहीं वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दोबारा निर्मला सीतारमन को ही दे दी गई है। मोहन मांझी बने ओडिशा के नए सीएम। बता दें कि सीएम के चयन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, लेकिन विधायकों को मीटिंग के बाद मोहन मांझी के नाम पर मुहर लगी। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बाद मायावती के भतीजे आकाश आनंद की वापसी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर हैशटैग आकाश आनंद 2 दिन तक ट्रेंड करता दिखाई दिया। बसपा समर्थकों का कहना है कि उन्हें फिर से पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसे अहम जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।